अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। रुक करते हैं साहिवाल का। साहिवाल में कब्जा माफिया सरगर्म, अल्लाह के घर को भी ना बख्शा गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी से। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, साहिवाल की सबसे बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद मदीना नई आबादी साहिवाल से मुलहिका मदरसा बराए खवातीन को कब्जा माफिया ने तालबात से खाली करवाकर निजी कंपनी को किराए पर दे दिया। ये मदरसा बराए खवातीन 50 साल से इलाके की खवातीन को कुरान और हदीस की तालीम दे रहा था। ना सिर्फ इस पर इक्तफा किया गया बल्कि लाइब्रेरी की गर्ज से बनाया जाने वाला कुरान महल भी एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिया गया। मस्जिद के साजात जिनको मुखय्यर हजरात के अतियात से खरीदा गया था, जिसमें 12 अदद बड़े साइज की एसी अलमारियां, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स, एयर कूलर, 70 से ज्यादा पंखे जिनकी मालियत लाखों रुपए है, अपने मनपसंद लोगों को औने पौने फरोख्त कर दिया गया। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद तबस्सुम साहब ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, गवर्नर पंजाब, मुहतसिब पंजाब, आरपीओ साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल, डीसी साहिवाल और डीपीओ साहिवाल से मुतालबा करते हुए कहा, काफिया से मदरसा व मस्जिद की जगह को वागजार करवाया जाए और दोबारा दीन की नशर व इशाअत के लिए इन दीनी इदारों को बहाल करवाया जाए। जी